अच्छा मौका मिला संवाद का, मैं एक घोषणा आप सब लोगों के बीच में करना चाहता हूं। जब राजनीति का शुरुआत हम लोगों ने किया था तो जनता का सेवा करना हम लोगों ने लक्ष्य रखा था। उसी लक्ष्य में हमने अपने चुनाव में भी वादा किया था गोविंदपुर की महान जनता मालिक को कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अगर हमको आप लोग मौका देते हैं तो जो कमीशन एक विधायक लेता है वो कमीशन गोविंदपुर की जनता को नहीं देना पड़ेगा। गोविंदपुर को एक एक पैसा जो सरकार देती है वो गोविंदपुर की जनता के बीच में जाके खर्च होने का काम करेंगे और उस पर मैं अटल हूँ। आज मैं धन्यवाद देता हूँ अपने तीनों कैंडिडेट को भी, उन्होंने भी आप सब लोगों के साथ ये संकल्प लिया है। आप सब लोग कौआ कोल से आए हुए हैं। आप लोग बताएं कि जहाँ पे भी जिला पार्षद का काम होता है तो 40% कमीशन पहले देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है, बताइए। और जिसको काम दिया जाता है कहाँ वो कर पाएगा क्या 50% 60% पे काम? लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ अपने तीनों कैंडिडेट को जिन्होंने घोषणा किया है कि ये भी अपने फंड में कमीशन नहीं लेंगे। क्या बात है, धन्यवाद, आशीर्वाद दीजिए। अगर ये फंड में कमीशन नहीं लेते हैं तो आप समझिए 100% का 100% जो पैसा सरकार देगी उसका काम गोविंदपुर विधानसभा में होगा। इसलिए मैं आप सब लोगों की तरफ से इनको धन्यवाद देता हूँ। दे देना आशीर्वाद, मिलेगा ना, मिलेगा आप लोग आशीर्वाद। हाथ से उठा के आशीर्वाद दे दीजिए, सब हाथ उठा के आशीर्वाद दे दीजिए अपने कैंडिडेट लोग को। अब बताइए, मैंने कहीं वीडियो देखा था, कहीं सुना था एक वीडियो जिसमें लोग कह रहे थे कि हम ऐसा कैंडिडेट भेज रहे हैं जो कैंडिडेट वीडियो से बात करता है, जो कैंडिडेट SHO से बात करता है। मैं आप लोगों से पूछता हूं कि वीडियो से बात करने की जरूरत आपकी परेशानी में पड़ सकती है, लेकिन अगर वो वीडियो से बात करे, अमूमन बात करके किस लिए बात करता है कोई जनप्रतिनिधि बताइए, क्या कमीशन लेने के लिए बात करता है कि नहीं करता है बताइए? उसको इंदिरा आवास में कमीशन चाहिए रहता है तो जाकर के BDO CO और थाना प्रभारी से बात करता है कि नहीं करता है बताइए? उसको शौचालय में कमीशन चाहिए होता है तो जाकर के वहाँ सेटिंग करता है कि नहीं करता है बताइए? क्या जरूरत है क्या कैलाश जी को, सत्येंद्र जी को या कुणाल जी को है क्या जरूरत इस सब चीजों की? अरे BDO से बात करने का क्या हमारे जनता मालिक सक्षम नहीं है क्या? हमारा कौन जनता मालिक है जो बात नहीं कर सकता है BDO से, बताइए? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर आपको कोई परेशानी है तो BDO SHO से डायरेक्ट जाके बात कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अगर आपकी बात को नहीं सुनी जाती है, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं कि नहीं है बताइए? हम आते हैं कि नहीं आपके साथ? आपका मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरे सभी लोगों के सामने आदरणीय DM साहब का, बहुत एक्टिव और बहुत ईमानदार व्यक्ति है। क्यों मैं बात करूं किसी से, जब आपका कोई छोटा से छोटा काम भी होता है तो DM साहब के संज्ञान में जाता है तो तुरंत एक्शन होता है कि नहीं बताइए? होता है ना? और अगर जनप्रतिनिधि जाकर के BDO और थाना प्रभारी को परेशान करेगा, कमीशन की बात करेगा, कमीशन मांगेगा तो कहाँ से ला करके देगा? घर से ला के देता है क्या? घर से ला के देगा क्या? कि हम और आपके पास से ही, गरीब लोगों के पास से ही निकाल के कोई भी देगा ना? मैं किसी BDO और थाना प्रभारी को इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जब मैं सुना कि लोग कहते हैं कि मेरा लोग इतना बड़ा रंगदार है तो आपको बताइए, जो थाना प्रभारी और BDO से बात करता है तो आपको रंगदार चाहिए या शानदार आदमी चाहिए बताइए? ईमानदार चाहिए बताइए? ईमानदार चाहिए ना? कमीशन खोर चाहिए या ईमानदार व्यक्ति चाहिए? ईमानदार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप लोग ईमानदार व्यक्ति को चुनेंगे ना? बहुत हो गया दबंग लोगों की चुनने की बात। गोविंदपुर का इतिहास है, दबंग लोगों को चुनने में लोग 45 साल लगाए, 45 साल आप लोगों ने, हम लोगों ने सब मिल करके चुना था कि नहीं चुना था बताइए? मैं रो के उदाहरण दे के बोलता हूँ, 45 साल में वैसे लोगों से दबंग जिनको लोग कहते हैं, रजाइन पहन आया था क्या? नहीं आया था क्या रजाइन पहन? 45 हफ्ता नहीं हुआ है अभी सरकार बने दोबारा, 45 हफ्ता गोविंदपुर में बदलाव हुआ है, 45 हफ्ता में रजाइन पहन का टेंडर हुआ कि नहीं हुआ बताइए? तो आपको रंगदार चाहिए या शानदार चाहिए बताइए?
होना चाहिए ना। 45 साल में वही गोविंदपुर के लोग बताएंगे कि 45 साल में वो पुल बनाया क्या सकरी का? नहीं। पुल बनाया क्या? नहीं। 45 हफ्ते में वो डीपीआर में चला गया है, उसका नक्शा बन के तैयार हो गया है, SH-103 में अटैच होने जा रहा है। बताइए रंगदार चाहिए कि ईमानदार चाहिए? ईमानदार चाहिए ना। हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए हमारे कैंडिडेट्स को। आप सब इस बार आशीर्वाद देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं इसी उम्मीद के साथ जो भी निर्णय पार्टी के तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी के तरफ से हुआ, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके साथ मेहनत करेंगे और सिर्फ आपके बदौलत करेंगे। हमारा साथ दीजिएगा ना, देंगे ना साथ। आवाज इतना आना चाहिए कि यहाँ माइक की जरूरत नहीं पड़े, सीधा कौवा कॉल पहुंचे। देंगे ना। बहुत बहुत धन्यवाद।